बाप और बेटे और रुदस के नाम में आमिन हमारे लिए आज की तलावत मुक़दसमती की अंजील नौ बाब चौदह से सत्रह आयत तक। उस वक्त रोहना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं यीशु ने उनसे कहा क्या बराती जब तक दुल्ह उनके साथ है मातम कर सकते हैं लेकिन वो दिन आएंगे दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तब वो रोज़ा रखेंगे कोई पुरानी पोशाक पर कोरे कपड़े का पैवन नहीं लगाता क्योंकि वो पैवन पोशाक में से कुछ खींच लेता है और उसका फाड़ ज़्यादा ख़राब हो जाता है और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते वरना मशकें फट जाती और मैं बह जाती और मशकें ख़राब हो जाती हैं बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं तो दोनों बची रहती हैं उन मुकदस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो खुदा का शुक्र हो बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन वसीब मेरे असीजों आप सबको सुबह का सलाम फैसलाबाद बिश बहुत से फादर आबत रवीर आज के पा कलाम पर ध्यान व्ञान के साथ हम खुदांद का शुक्र अदा करते हैं इस नए दिन के लिए और इस बात के लिए भी कि खुदावंद हर रोज़ हम से हम कलाम होता है आज की पाक अंजील का अकबास जो हम सब के लिए पढ़ा गया है हमने सुना है कि योना के शिगिरद खुदा यसम के शगिरदों पर अल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि तेरे शागिर रोज़ा नहीं रखते जबकि हम और फ्री से अक्सर रोज़ा रखते हैं और ये बात बड़ी वाज़ है कि क्लिसिया में हर जमाने में रोज़ा रखने को ख़ास ख़ास मौक़ों के लिए मखसूस रखा गया है कि ये दयानदारी के लिए फ़ायदा मंद है यकीनन रोजा एक पाक करने और पाक रहने का अमल है रोजा खुदा के करीब जाने का सबब बनता है हमें खुदा के साथ मुलाकात का मौका बख्शता है हमने सुना है कि उन्होंने मसीह खुदाबंद के शगिदों पर अल्जाम लगाया कि हमारे तरअसर रोजा नहीं रखते तेरे शिगिरद रोसा नहीं रखते और इनको मालूम ना था कि खुदावंद यसु मसीह ने अपने शिगिरदों को रोसा पोशिदा रखने की हदायत की है और कहा कि अपने आप को इस तरह रखो कि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोसादार जाने फिर खुदा जवाब देते हैं कि क्या बाराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं मसीह के शगिरद बाराती हैं जिनको शादी की सियाफ़त में बुलाया गया है उन्हें सियाफत में खुश आमदीद कहा गया है मसीह के शिगिरदों के साथ दुल्ह है जिसने खुद फरमाया कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं याद रखें कि कलिसिया की खुशी के लिए मसीह ही सब में सब कुछ है आइए आज के पाकलाम पर ध्यान ज्ञान करते हुए ख़ुदा से ख़ास मदद फ़ल बरकत और हमत मांगें कि हम अपनी मजबी रसूमा को दिखावे के लिए नहीं बल्कि अबदी फ़र्श और अक़दत अहतराम और, और खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए अदा करें आइए अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कहीं मेरा रवैया फ्रीसीियों और फ़कियों जैसा तो नहीं जो सब काम दिखावे के लिए करते हैं खुदाबंद हमें फ़जल बख्शे ताकि हम हर काम खुदा के जलाल के लिए करें और हमारे कामों से खुदा के नाम को ही जलाल मिले मसीह खुदांद के वसी से आमीन बाप पर बेटे और रोहनकुदस के नाम से आमीन